हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने कान्हा जी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, त्योहारों पे पहनाने के लिए क्या बनाया है। तो एक तो मैंने उनके लिए ड्रेस बनाई है, ये वाली जिसका ये ब्लाउज़ है राधा रानी का और हमारे कान्हा जी का, और ये हमारे कान्हा जी की धोती है। ये मैं कुछ अलग तरीके से पहनाऊंगी, तब जब मैं पहनाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये हमारी राधा रानी का लहंगा है और ये हमारे कान्हा जी का पटका है, और इस पर मैं ये दुपट्टा चलाऊंगी हमारी राधा रानी के लिए, नेट का दुपट्टा। एक तो मैंने ये ड्रेस बनाई है और मैंने एक ये ड्रेस बनाई है जिसमें ये हमारी राधा रानी का लहंगा है, इसमें मैंने डबल लेस लगाई है। ये हमारी राधा रानी का लहंगा, ये हमारे कान्हा जी की धोती, और ये हमारे कान्हा जी की कमर के लिए, कमर काछनी बोलते हैं जिसको वो, ये हमारे कान्हा जी का पटका, ये हमारे कान्हा जी का ब्लाउज, ये हमारी राधा रानी का ब्लाउज, और ये हमारी राधा रानी का दुपट्टा। एक ये ड्रेस बनाई मैंने, ये मुझे बहुत सुंदर लगी ये ड्रेस बनाने के बाद, और मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी बन जाएगी, और ना मैंने ऐसा सोच के बनाई थी कि मैं ऐसी ही बनाऊंगी। मैं बस बनाने लगी तो जैसी कान्हा जी को पहन रही थी वैसी उन्होंने मुझसे बनवा ली। ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर बन जाएगी ये। तो सबसे ज़्यादा सुंदर तो मुझे यही ड्रेस लग रही है उनकी। और एक ड्रेस मैंने ये बनाई है उनके लिए, ये राधा रानी का ब्लाउज़, ये कान्हा जी का ब्लाउज़, और ये कान्हा जी की धोती, इस टाइप से है। जब मैं पहनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको। और ये हमारी राधा रानी का लहंगा, ये हमारे कान्हा जी का पटका, और ये हमारी राधा रानी का दुपट्टा। ठीक है, ये एक ये ड्रेस बनाई है मैंने। बस कुछ नहीं है, नॉर्मल कपड़ा है, बस लेस का कमाल है कि भाई हम जितनी अच्छी हम लेस लगा सकते हैं उतने अच्छे हम कपड़े बना सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी राधा रानी जी के लिए। एक ये मैंने कुछ सिंपल सी ड्रेस बनाई है, सोबर सी। ये हमारी राधा रानी का लहंगा, ठीक है, इसको बस नॉर्मल सा बनाया है। इसमें ये डोरी डाल के ये कमर पे बांधने पे एकदम ऐसे फ्लेयर आ जाएगा इसमें। ये हमारी राधा रानी का ब्लाउज़, इसमें थोड़ी सी लेस लगाई है बस, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये हमारे कान्हा जी की धोती, ये हमारे कान्हा जी का ब्लाउज़, और ये हमारे कान्हा जी का पटका, ये भी सिंपल सा है, एक लंबी लेस लगाई है इसमें, और ये हमारी राधा रानी का दुपट्टा, शिफॉन में दुपट्टा है इनका। ठीक है, एक ये ड्रेस बनाई है मैंने। और एक ये मैंने नॉर्मल सी समर के लिए बनाई है कॉटन में, ये ब्लाउज़ है हमारे कान्हा जी का। ये हमारे कान्हा जी की मैंने कुछ इस वाले स्टाइल से बनाई है धोती, देखिए। और ये हमारी राधा रानी का ब्लाउज है, ये हमारी राधा रानी का लहंगा है, और ये हमारे कान्हा जी का पटका। ये सिंपल सी ड्रेस है समर के लिए, और ये हमारी राधा रानी का दुपट्टा, एक ये ड्रेस है। और एक मैंने ये मैंने वैसे पहली बार बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए, निक्कर, और ये ऊपर से पहनाने के लिए उनकी बनियान ऐसे।
बहुत ही सिंपल ये बनानी, वैसे मैंने पहली बार बनाई है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है ये बनानी। ये 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है और ये 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। इसको पहनाया है मैंने एक दिन, तो पहना के मेरे को बार बार ऐसे हो रहा था कि मैं बार बार देखने जाऊं, मैं बार बार इसको पहना के पूजा करने के बाद बार बार मैं गोपाल जी को देखने जा रही थी। मेरे को इतने सुंदर लग रहे थे इस ड्रेस में, वो इतने ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो दोस्तों मैंने यही बनाया अभी, तो मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि भाई मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाती हूँ, बस जैसा कान्हा जी ने मुझसे बनवाया मैंने वैसा बना दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हरे कृष्णा, बाय बाय।